के लिए हॉकी के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है नवंबर में, उस आयोजन को लेकर के बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस आयोजन को और कैसे भव्य बनाया जाए। बता दें कि राजगीर खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय में 11 नवंबर से एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पटना से गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रॉफी गौरव यात्रा पंजाब हरियाणा के बाद बिहार की धरती पर 19 अक्टूबर को बिहार वापस लौटेगी। 7 नवंबर को ट्रॉफी नालंदा आएगी और 10 नवंबर को खेल अकादमी में ट्रॉफी को पहुंचाया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार के साथ। हमारा ट्रॉफी पहले हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड में घूमेगा, फिर उसके बाद 29 तारीख को यहाँ आएगा, 19 तारीख को यहाँ आएगा और बिहार का 38 जिला में ये ट्रॉफी जाएगा और हर जिला में डीएम साहब, एसपी साहब लोग और वहाँ का एमपी साहब, एमएलए साहब, मंत्री साहब, एमएलसी साहब, पार्षद लोग और खिलाड़ीगण, खेल एसोसिएशन सब लोग मिलके हर जिला में इस ट्रॉफी का स्वागत करेंगे। और ये 14 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है ट्रॉफी टूर, वो नालंदा वापस आएगा आपको 7 तारीख के आसपास, 7 अक्टूबर। उसके बाद नालंदा जिला का बहुत सारे सब डिविजन्स पे हो या ब्लॉक पर हो, वो डीएम साहब डिसाइड करेंगे, वहाँ भी ये ट्रॉफी घूमेगा। उसके बाद 11 तारीख का उद्घाटन के दिन स्टेडियम के अंदर एंटर करेंगे। नालंदा जिले के राजगीर खेल अकादमी में 11 नवंबर से आयोजित होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के अन्य मार्ग में इस ट्रॉफी को जो है शुभारंभ करेंगे। तो बता दें कि ये हॉकी का पर्व बिहार का गर्व के तहत इस हॉकी को आज हरी झंडी दिखाया जाएगा, जहां यह हॉकी जो ट्रॉफी है इसका जो हरियाणा, जब पंजाब, उड़ीसा और झारखंड में भव्य स्वागत के बाद 19 अक्टूबर को बिहार ट्रॉफी पहुंचेगी, जहां बिहार के सभी जिलों में इसे भ्रमण कराया जाएगा और सभी जिलों में स्वागत किया जाएगा। इतना ही नहीं, 7 नवंबर को यह ट्रॉफी वापस नालंदा पहुंचेगी, जहां सभी प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के अलावा जो आम लोग हैं वो ट्रॉफी का स्वागत करेंगे। उसके बाद पुनः 10 नवंबर को यह ट्रॉफी इसी खेल अकादमी में पहुंचेगी, जहां जो खेल का आयोजन किया जाएगा 11 नवंबर को जो है इसका उद्घाटन किया जाना है और उद्घाटन के उपरांत जो है यहाँ खेलों का आयोजन किया जाएगा। बताया भी जाता है कि भारत का जो भी मैच है वो सभी 7:30 बजे से प्रतिदिन संध्या का आयोजन किया जाएगा और 20 नवंबर तक जो है खेलों का समापन किया जाएगा। नंदा से न्यूज के लिए अभिषेक कुमार। गोपालगंज में ठंड ने दस्तक दे दी है, लोगों को अब सुबह में ठंड सहरन महसूस हो रही है, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर भी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप खास ख्याल इस बदलते मौसम में रखें। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। मानसून की विदाई हो चुकी है, ऐसे में गोपालगंज में भी ठंड का एहसास होने लगा है। आज सुबह से धूप नहीं निकली है, वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ मौसम में कुहासा छाया हुआ है। तापमान में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। आज अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो गोपालगंज में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक बने रहने का अनुमान है। तो ऐसे में मौसम के उतार चढ़ाव से लोग बीमारियों के चपेट में भी आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज के अम्बेडकर चौक के पास की ये तस्वीर है, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। लगातार मौसम बदल रहा है, ठंड का एहसास भी होने लगा है। हाँ, धूप तो अब निकला ही नहीं है, समय 9 बज गया, धूप निकला नहीं है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। हाँ, अशोक कुमार। तो मौसम के बदलते मिजाज को लेकर डॉक्टरों ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।